अरे रिधांशा, क्या हुआ? इतना क्यों हंस रही हो? क्या बात हो गई बेटा? मम्मा आज पार्क में बहुत मजा आया। अच्छा, क्या क्या क्या? मम्मा आपको पता है, मैं और मेरी फ्रेंड गए और एक च्युइंगम चिपका दी एक बेंच में, और दूसरी लड़की आई और वो वहाँ पे बैठ गई। फिर हम लोग वहाँ से भाग गए और वो लड़की च्युइंगम से चिपक गई। ओहो, कितना बुरा काम करके आए। ऊपर से आप हंस रहे हो, वेरी बैड रिधांशा। एक बार चंपा लोमड़ी ने भी यही किया। कभी हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए। पता है उसके साथ में फिर क्या हुआ चंपा लोमड़ी के साथ? एक बार चंपा लोमड़ी ने सोचा कि गज्जू हाथी अपने आप को पूरे ढोलकपुर जंगल में बड़ा समझदार समझता है, तो चलो इसको कुछ सबक सिखा कर आते हैं। तो वो गई गज्जू हाथी के पास में और उसको बोली, गज्जू दादा बहुत गर्मी पड़ रही है, पास में एक तालाब है, बड़ा ठंडा पानी है। चलिए गज्जू दादा, अभी भी मैं वहाँ से होकर आई हूँ, बहुत ठंडा पानी है, आप नहाएंगे उस पानी में तब तो आपको मज़ा आ जाएगा, सारी गर्मी बस यूँ उड़ जाएगी। गज्जू हाथी मान जाता है, कहता है ठीक है चलो चंपा, दिखाओ मुझे कहाँ पर रहा है वो तालाब। फिर चंपा लोमड़ी उसको लेकर के जाती है तालाब के पास में और फिर दिखाती कि चंपा गज्जू हाथी, गज्जू दादा ये है तालाब। अब उस तालाब में पानी तो कम होता है लेकिन कीचड़ ज़्यादा होता है। अब गज्जू हाथी तो समझ में, उसके ऊपर विश्वास कर लेता है चंपा लोमड़ी की बातों पर, सोचता है कि ये तो पानी ठंडा पानी होगा, और वो बिना कुछ सोचे समझे गज्जू हाथी तालाब के अंदर चला जाता है। जैसे ही जाता है तो उसमें होता है कीचड़, अब वो तो उसके अंदर फंस जाता है। फिर कहता है अरे चंपा ये तुमने क्या किया, मैं तो यहाँ पर फंस गया, मुझे बाहर निकालो बाहर निकालो, चिल्लाने लगता है। और इधर गज्जू हाथी को तालाब के अंदर जाते हुए देखकर चंपा लोमड़ी खूब हंसती करती है, जैसे अभी आप हंस रही थी ना, ऐसे करके हंसती कहती है, अरे गज्जू दादा आप तो बड़ा समझदार बनते थे और आपकी समझदारी कहाँ गई, आप तो बस बिना सोचे समझे आप तालाब के अंदर चले गए और फिर आप तो एक नंबर के बुद्धू निकले गज्जू हाथी, ऐसे करके बोलने लगती है। अब गज्जू हाथी रोने लगता है क्योंकि वो तो कीचड़ के अंदर फंसता जाता है। ये सब बातें मोंटी बंदर देख रहा था कि चंपा लोमड़ी किस तरह से गज्जू हाथी को परेशान कर रही है। तो मोंटी बंदर पीछे से आता है और चंपा लोमड़ी को पीछे से धक्का दे देता है। जैसे ही धक्का देता है चंपा लोमड़ी गिरती है तालाब के अंदर, और फिर वो जब बगल में गज्जू हाथी के चली जाती है तब गज्जू हाथी कहता है कि क्यों चंपा लोमड़ी, बहुत बुरा कर रही थी मेरे साथ में, मुझे मेरे साथ में बुरा तुमने किया और अब देखो तुम्हारे साथ में क्या हुआ, तुम भी तालाब के अंदर आ गई, तुम्हारे साथ में भी बुरा हुआ। अब मोंटी बंदर किसी तरह से अपने साथियों को बुलाता है, गज्जू हाथी को तो बाहर निकाल देता है लेकिन चंपा लोमड़ी उसी तालाब में रह जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि बच्चों हमें कभी किसी के साथ में बुरा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए बच्चे, समझी? तो कैसी घर रिधांशा बताइए। फ्रेंड्स, मैंने ये सीखा कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, अपने थोड़े से एंजॉयमेंट के लिए कि आपको मजा आया, आप च्युइंगम चिपका रहे हो, आप बच्चे भी बहुत करते होगे जैसे रिधांशा ने किया आज अपनी फ्रेंड्स के साथ मिल करके कि वो गई और बेंच में च्युइंगम चिपका दिया, तो ऐसा आप सभी करते हो लेकिन उसके बाद में कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना। तो हमें कभी बच्चों किसी के साथ में बुरा कभी नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा अच्छे बच्चे बनकर के तरह बनकर रहना चाहिए। अब आप उस फ्रेंड्स को सॉरी बोलोगे? हाँ मम्मा। बिल्कुल सही। कैसी लगी कहानी बच्चों, बताइएगा जरूर। कल फिर मिलूंगी किसी नई कहानी के साथ में, तब तक रिधांशा बाय बाय।